नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस बाई निरेशा में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इससे हम लोग मध्यकालीन कला को देखेंगे। जो भी कला शैलियाँ इसमें आएंगी, चाहे जैन हो, पाल हो, भ्रंश हो, जैन शैली को यह भ्रंश शैली कहा जाता है लगभग, तो इन सभी को देखने का प्रयास करेंगे और इसके बूस्टर डोज को भी देखने का प्रयास किया जाएगा। जो आपके परीक्षा में छप चुके हैं क्वेश्चंस, उन्हें देखने का प्रयास, ठीक है। सबसे पहले पाल शैली की बात होगी। अगर पाल की बात हो तो कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है, तो 10वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक जो है पाल शैली, यानी प्रकृत जिसे अभ्रंश शैली का उदय माना जाता है, तो ये कहा जाता है। हालांकि पाल शैली अलग ही है, याद रखना। पाल शैली 750 से 1197 के आसपास जो है पाल वंश की स्थापना होती है, वो है पाल शैली। लेकिन अब ओवरऑल कहा जाता है अभ्रंश शैली, तो अभ्रंश शैली का उदय 10वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास हो जाता है, क्योंकि 11वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास मूलोपशय कौन सी शैली रहती है, उसी को जैन शैली कहते हैं या फिर अभ्रंश शैली कहते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है पाल वंश का शासक पूर्वी भारत पर 750 से 1197 ईस्वी तक रहा है। पूर्वी भारत मतलब वही बंगाल वाला बेल्ट होता है, तो बंगाल में सबसे पहले गोपाल के जो है निर्देशन में पाल वंश की स्थापना होती है। आगे पॉइंट आता है कि भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल में आरंभ हुई थी। हाँ, तो छोटे चित्रों की यानी लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल से ही स्टार्ट होती है। पाल शैली का संरक्षक कौन माना जाता है, तो पाल शैली का संरक्षक जो है पाल शासक माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पाल शैली जिसके नाम पे पड़ती है वो पालवंश होता है, और पालवंश का पहला शासक गोपाल बनता है, तो गोपाल ही मूल रूप से बंगाल में पहली शैली को विकसित करता है। पालवंश की स्थापना तो गोपाल नामक व्यक्ति ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल का शासनकाल 750 से 70 तक रहा है। पाल पोथियों के चित्रों का समय 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहा है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसलिए ऐसा क्वेश्चंस करवाया जाता है। पोथी चित्र का प्रारंभ तो पाल शैली में ही पोथियों का चित्रण स्टार्ट होता है। पोथी चित्र का निर्माण पाल राजाओं ने ही करवाया है, ये भी आपको याद रखना है। गोपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो धर्मपाल बनता है। 810 ईस्वी में शासन बनता है। धर्मपाल अति धार्मिक प्रवृत्ति का जो है विद्यावशानी कला संरक्षक शासक रहा है। धर्मपाल ने गंगा के किनारे, ये क्वेश्चन बहुत छपा है, इस पर डबल स्टार लगाइएगा, किसके किनारे, गंगा के किनारे, कहाँ पे, भागलपुर में। भागलपुर कहाँ पे है, मूल रूप से बिहार में, बिहार में। तो गंगा के किनारे भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। किसने करवाया था, धर्मपाल ने करवाया था। किस वंश का शासक था, तो पाल वंश का शासक था, ठीक है। आगे धर्मपाल का पुत्र आता है देवपाल, ये 810 से 850 तक जो है शासन रहता है। और उसके बाद देवपाल के जो है अगर बात करते हैं, तो देवपाल ने वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला का महान उन्नायक माना जाता है, यानी आगे ले जाने वाला माना जाता है। देवपाल सारनाथ, गया, नालंदा, कुकिहार आदि स्थानों पर मूर्तियों को जो है बनवाने का काम किया है, यानी मूर्तियाँ उकेरवाई है। आगे महीपाल इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट होता है। इसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण होता है। तो ये पूछा जाता है कि ज़्यादातर पाल पोथियाँ किसके समय में बनी, तो महीपाल के समय में बनी। महीपाल किस वंश का शासक रहा है, तो मूल रूप से पाल शैली का शासक रहा है। महीपाल ने कई चैत्य, मूल गंधकुटी और धनराजिका स्तूप बनवाए हैं। किसने बनवाए हैं, महीपाल के द्वारा बनवाए जाते हैं। पाल वंश के सभी सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि पाल वंश पूर्ण रूपेण किस धर्म का अनुयायी रहा है, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा है। पूर्ण रूपेण पूरा लगभग पाल वंश ही, ठीक है। आगे अगर बात करें तो बुद्ध योग मित्रा में कमल पे आसीन है, ये आपका चित्र है, देख लीजिएगा। ये बुद्ध हैं, कमल की जो है बुद्ध योग मुद्रा में है और कमल पे आसीन है। ये कमल का पुष्प है, नीचे आप दिखाई दे रहा है इस टाइप वाला, ये भगवान बुद्ध हैं और मूल रूप से बैठे हुए हैं, किस पे, कमल पे। ये पाल वंश का बहुत बढ़िया चित्रण माना जाता है, पाल वंश का। आगे अगर बात करें तो ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 ईस्वी का यह चित्र किस समय का है, तो ये पाल शैली का ही सबसे बढ़िया समय माना जाता है। ये चित्र पाल वंश के समय का है। आगे अगला पॉइंट आता है कि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली का करके पुकारा है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी शैली इसका नाम किसने दिया, तो लामा तारानाथ आप जानते हैं तिब्बत के रहने वाले हैं, तिब्बती गुरु हैं, और मूल रूप से पूर्वी शैली का नाम इन्होंने ही किया कि पाल शैली पूर्वी शैली कहलाती है। पूर्वी शैली मतलब वही बंगाल वाला बेल्ट है, तो इसलिए इसे पूर्वी शैली कह दिया लामा तारानाथ ने। प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलेन रुबिशो ने पाल शैली को जो है बिहार शैली कहा था। आप जानते हैं बंगाल के बाद इसका शासन जो है बिहार में होता है, और बिहार के बाद कहाँ जाता है, तो बिहार के बाद ये नेपाल तक फैलता है, नेपाल तक।
तो हेलेन रुबिसो मूल रूप से बिहार की शैली कह करके पुकारते हैं। आगे पाल शैली का कलाकार, तो पाल शैली आप जानते हैं धीमान और वित्तपाल, इसका जो है बहुत फेमस कलाकार रहा है धीमान और उसका पुत्र है वित्तपाल, ये दोनों मूल रूप से चितेरे रहे हैं कहाँ के, पाल शैली के। आगे पाल शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं, तो बंगाल बिहार और नेपाल मूल रूप से इसके मुख्य केंद्रों में शुमार रहे हैं। पाल शैली के सर्वप्रथम पोथी चित्र, अगर पोथी चित्रण की बात करते हैं तो अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता आदि बौद्ध ग्रंथ पर आधारित है पहला पोथी चित्र। तो प्रज्ञा पारमिता याद रखना, अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता। आगे पॉइंट जो आता है वो कहा जाता है कि पाल पोथियों को कुछ अच्छे ताड़पत्रों पे, पत्तों पर, राजतल पे भी लिखा गया है। तो पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं, ज़्यादातर जो है किस पे लिखी गई हैं, तो ये मूल रूप से पृष्ठों पे लिखी गई हैं, किस पे, ताड़पत्रों पे, पत्तों पे और राजतल पे लिखने का काम किया गया है। अब बात होगी पालपोथी जो है ताड़पत्रों की, तालपत्र की लंबाई चौड़ाई कई बार पूछी गई है, 22.5 नहीं 22.25 इंच, 22 सही 1/4 इंच लंबा है और 2 सही 1/4 इंच चौड़ा है। तो 2 सही यानी 2.25 इंच जो है चौड़ा है और 22 इंच ये लंबा है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात ये है याद रखना है, 22 सही 1/4 रेशियो 2 सही 1/4। तो ये लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है ताड़पत्र की। आगे अगर बात करते हैं तो ताड़पत्रों से बने पृष्ठों पर देवनागरी लिपि में मूल रूप से सुंदर और कटे छाप के समान अक्षरों में यह पोथियाँ लिखी गई हैं। कौन सी पोथी, यही ताड़पत्री पोथी, जिसमें बहुत सारी हैं, चाहे वो प्रज्ञा पारमिता हो, चाहे साधनामाला हो, चाहे पंचशिका हो, चाहे कर्णदेव गुहा हो, चाहे गंधर्व्य हो, ये सारे के सारे डाटा किस पे लिखे गए हैं, इन्हीं ताड़पत्रों पे लिखे गए हैं। कुछ पोथियों में काली पृष्ठभूमि पे सफ़ेद रंग से भी लिखाई की गई है, किस काल में, पाल काल में ही, पाल शासक के काल में। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है इन पृष्ठों के बीचों बीच में आयताकार, आयताकार या वर्गाकार स्थान खाली छोड़ दिया जाता था, जिसमें महायान देवी देवताएं, महायान देवी देवताएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि पूरा पाल वंश ही मूल रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा है, इसलिए बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बताए जाते हैं। प्रमुख पाल पोथियों की अगर बात करते हैं तो प्रज्ञा पारमिता इसकी पोथी है, साधनामाला इसकी पोथी है, पंचशिखा इसकी पोथी है, करणदेव गुहा इसकी पोथी है, गंधर्व्य इसकी पोथी है। तो ये सब पोथियाँ किस काल की हैं, ये पाल शैली की हैं याद रखना, इनका संबंध मूल रूप से बौद्ध धर्म से रहा है। आगे बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक पाली भाषा में लिखा गया, तो ये पूछा जाता है विनय पिटक का संबंध किस भाषा से रहा है, तो ये पाली भाषा में इसकी रचना हुई है, पाली भाषा में, किस काल की है, तो ये पाल काल की है। ठीक है, आगे पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं, जो मूल रूप से लघु चित्रण के रूप में जाने जाते हैं। पाल शैली के मानवाकृतियों के अधिकतर चित्र जो है चेहरे सवाचश्म के हैं, सवाचश्म चेहरे में मूल रूप से पाल शैलियों में चित्रण का कार्य हुआ है और एक ही प्रारूप में बनाए गए हैं। सिर चपटे होते हैं, इनकी नाक लंबे होते हैं, जो परले गाल की ओर आँखें जो है आगे निकली हुई बताई जाती हैं। चित्रों की रेखाएं काले रंग से बनाई गई हैं, तो चित्र कैसे दिखाए जाते हैं, वो काले रंग से दर्शाए जाते हैं। पाल शैली की आंखें बड़ी कर्ण स्पर्शी और वक्र रेखाओं से बनाई गई हैं, तो पाल शैली की आंखें कैसी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, कर्णों से स्पर्श कर रही दर्शाई गई हैं, यानी दूर तक का डाटा दर्शाया गया है, आगे कान तक दर्शाया गया है। आगे पाल शैली जो है पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है, तो बुद्ध का जीवन चरित्र, बुद्ध का जीवन चरित्र दर्शाने का प्रयास पाल पोथी में ही किया गया है। पाल पोथियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रज्ञा पारमिता है, साधना माला है, पंचशिखा है, करणदेव गुहा है और गंधर्व्यो है, ये सारी पाल पोथियाँ हैं, बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। ताड़पत्र पे बनी है, ताड़पत्र वही जो 22 सही 1/4 इंच लंबा है और 2 सही 1/4 इंच चौड़ा है, ऐसा माना जाता है। आप जानते हैं धर्मपाल मूल रूप से भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है। पाल वंश की नींव अगर बात करते हैं तो मूल रूप से गोपाल के द्वारा बंगाल में डाली जाती है। तो ये था डाटा पाल शैली से। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे जैन शैली या फिर अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली या जैन शैली की अगर बात करते हैं तो 11वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास मूल रूप से इधर आता है। जैन शैली को लघु चित्रकला कहा जाता है या लघु चित्रकला कहलाती है। ताड़पत्र पे अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा, यह बहुत बार पूछा गया है किस पे बना हुआ है, ताड़पत्र पे बना हुआ है। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा के आधार पे निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, अन्य 20 तीर्थंकर महाप्रथाओं के दृष्टांत चित्र जैन कला का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण माने जाते हैं। अभी आप पाल शैली पढ़ रहे थे तो गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म था, अब आप जैन शैली पढ़ रहे हैं तो इसका जैन शैली नाम है, तो जैन धर्म से संबंध भी है। जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र की मानी जाती है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली या आनंद कुमार स्वामी ने कहा था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कह करके किसने पुकारा, तो आनंद कोटेश कुमार स्वामी या फिर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा कहा जाता है, ऐसा नाम दिया जाता है। आनंद कुमार स्वामी को कल्पसूत्र की एक प्रति
1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त होती है। आप जानते होंगे आनंद कोटिस कुमार स्वामी प्रसिद्ध कला समीक्षक रहे हैं। उनका जन्म कोलंबो श्रीलंका में होता है और मूल रूप से ये भारत में बहुत सारे जगहों का जो है निरीक्षण करते हैं और यहाँ पे अपने प्रतिलिपियाँ भी तैयार करते हैं। जैन शैली को गुजराती शैली किसने कहा है? तो नानालाल चमनालाल मेहता के द्वारा जैन शैली को गुजराती शैली भी कहा जाता है। नानालाल चमनालाल मेहता के द्वारा जैन शैली गुजराती शैली है ऐसा कहा गया। बसंत विलास जो कपड़े पे लिखा गया गुजरात में नाना चमनालाल मेहता को मिला उसकी लिपि काल क्या होता है? तो मूल रूप से बसंत विलास जो कपड़े पे लिखा गया है इसकी लिपि बताई जाती है कि 1451 ईस्वी की है और नाना चमनालाल के पास रखी हुई है। आगे बसंत विलास कालिदास की महान जो है काव्य रचना है, ऋतु संहार पे आधारित है। कौन? बसंत विलास। यही बसंत विलास कपड़े पे लिखी गई है, चमनालाल जो है नानालाल चमनालाल मेहता के यहाँ रखी हुई है। आगे बसंत विलास में कितने चित्र हैं? तो बसंत विलास में 79 चित्र हैं। 79 चित्र याद रखना है, डाटा याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछा जाएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, पता होगा तभी आप राइट आंसर्स दे पाएंगे। अकॉर्डिंग टू पर्सी ब्राउन ने गुजरात शैली को जैन शैली के नाम से भी पुकारा है। तो जैन शैली को गुजरात शैली, अच्छा गुजरात शैली को जैन शैली पर्सी ब्राउन ने कहा है। गुजरात शैली को जैन शैली मूल रूप से किसने कहा है? परसी ब्राउन ने कहा है। जबकि अभी जैन शैली को गुजरात शैली किसने कहा था? तो नानालाल चमनालाल मेहता ने कहा था। ठीक है, इसका अपोजिट किसने कहा? नानालाल चमनालाल मेहता ने कहा। जबकि गुजरात शैली को जैन शैली किसने कहा? परसी ब्राउन ने कहा। आगे जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा? तो जैन शैली को अभ्रंश शैली कहने का काम जो है रायकृष्ण दास कर रहा है। जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा? रायकृष्ण दास ने कहा। रायकृष्ण दास ने कहा। आगे बात करेंगे तो आगे आता है कि चोर पंचासिका में कविराज बिलहेड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती, उनकी प्रेयसी चंपावती, कविराज बिलहेड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का उल्लेख है। हाँ, प्रणय लीला का उल्लेख चोर पंचासिका में किया गया है, बिलहेड़ और चंपावती का। आगे जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक बृहद लेख मुनिकांति सागर ने विशाल भारत में प्रकाशित किया था। हाँ, तो ये जैनों के द्वारा जो है चित्रकला का शीर्षक है मुनिकांति सागर, कहाँ पे है? विशाल भारत में प्रकाशित किया गया। जैन कलाकारों ने मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधी ग्रंथों का भी चित्रण करवाया था। तो जैन कलाकार होते हैं जो मूल रूप से दुर्गा सप्तती पे भी चित्र बनाते हैं और मार्कंडेय पुराण पे भी चित्र बनाते हैं, जिनका संबंध आप जानते होंगे कि वैष्णव संप्रदाय से रहा है, जैन धर्म से संबंधित डाटा नहीं है। आगे अगर बात करें तो आगे आता है कि गीत गोविंद की रचयिता, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव हैं। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे और जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो तीर्थांकर और उनकी जीवनी मूल रूप से जैन लघु चित्रों की मुख्य विषय के रूप में जाने जाते हैं, तीर्थांकर और उनकी जीवनी। जबकि अभी आप पाल पोथी का मुख्य विषय देखे थे, बुद्ध का जीवन चरित्र था। बुद्ध का जीवन चरित्र पाल पोथियों का मूल रूप से मुख्य विषय माना जाता है। जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तीर्थांकर और उनकी जीवनी है। आगे अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या रहा है? तो अभ्रंश शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय रहा है वो जैन धर्म से संबंधित रहा है, जैसा इसका नाम है अभ्रंश शैली या फिर जैन शैली, तो ऐसा ही रहा है। महावीर का वैराग्य चित्र है, याद रखिएगा, देख लीजिए अच्छे से ये चित्रण, महावीर का वैराग्य। महावीर का वैराग्य किस समय का है? तो मूल रूप से जैन काल का है, जैन साल यानी 11वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास वाला। ठीक है, कल्पसूत्र के एक पात्र पर बनाया गया है, कल्पसूत्र पर बनाया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा आगे कौन सा चित्र है? महावीर का वैराग्य। आगे अगर बात करते हैं तो आगे आता है कि कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में हुआ है। हाँ, हुआ है, जैन शैली में ही सबसे पहले कल्पसूत्र को चित्रित किया जाता है। कल्पसूत्र भद्रबाहु की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। कभी कभी पुस्तक में पूछ लेता है डाटा कि भद्रबाहु ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो कल्पसूत्र उसके लिए राइट आंसर्स बनता है। परलियाक अभ्रंश शैली के चित्रों की बहुत अच्छी विशेषता रही है। तो परलियाक पूछा जाता है क्वेश्चन की कौन सी शैली का विशेषता है, तो पाल शैली भी रहता है, अभ्रंश शैली भी रहता है। तो सही जवाब आपको अभ्रंश शैली या फिर मूल रूप से जैन शैली लगाना होता है। आगे बाल गोपाल स्तुति, आप ये देख रहे हैं ये रचना बाल गोपाल स्तुति है, अच्छे से देख लीजिए, अभ्रंश शैली की बहुत अच्छी रचना है। बाल गोपाल स्तुति रचना है, अभ्रंश शैली की है, अच्छी रचनाओं में शुमार है, जैन धर्म से संबंध रखती। आगे अगर बात करते हैं तो सवा चश्म से बाहर, सवा चश्म के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आँखें जैन शैली की विशेषताएं रही हैं। मूल रूप से कैसी चश्मे यहाँ पे प्रयोग किए गए? तो सवा चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में खूब हुआ है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार छपा है, इस पर डबल स्टार लगाइएगा। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कहाँ हुआ? पशु पक्षियों को बनाने के लिए खिलौने की तरह प्रयोग कर दिया गया, गुड्डा गुड़िया टाइप का। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये अभ्रंश शैली में हुआ है, यानी पाल शैली में नहीं, पाल शैली नहीं, जैन शैली, जैन शैली या अभ्रंश शैली में हुआ है। आगे जैन धर्म के अनेक तीर्थांकर जैसे कालकाचार्य कथा
सचित्र पुस्तक मूल रूप से चित्रित है, उसमें जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर चित्रित हैं। तो किसमें जैन धर्म के ज्यादा तीर्थंकर चित्रित हैं? कालकाचार्य कथा। आगे अगला पॉइंट आता है, जैन चित्र कागज पे सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में बने। अच्छा 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 बहुत बढ़िया। कागज पे सबसे पहले कब बनते हैं? तो 14वीं शताब्दी में। ये बहुत सारी किताबों में कागज पे चित्रण 15वीं शताब्दी माना जाता है, क्योंकि 15वीं शताब्दी में के आसपास लगभग कागज की खोज होती है। ठीक है, अब जैसा किताब वैसा डाटा हो जाता है। कभी कभी आयोग 14वीं शताब्दी मानता है, कभी 15वीं शताब्दी मानता है, कभी कभी तो 16वीं किताब जो है शताब्दी में डाटा आ जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे आसपास का डाटा नहीं होता है, 14वीं 15वीं 16वीं नहीं होता है, तब सीधे 16वीं 18वीं और 20वीं देता है, तब वहाँ पर राइट आंसर्स 16वीं भी बन जाता है। लेकिन 14वीं शताब्दी में ये बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग बन रहा है। आगे आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर सर्वप्रथम जो है उल्लेख है वो जैन शैली में हुआ है, क्योंकि कागज की खोज चीन में होती है और चीन में मूल रूप से इसी टाइम होती है, तो इसलिए जैन शैली में माना जाता है कि भारतीय चित्रकला में जो है इतिहास कागज के पॉइंट पर लिखा गया, तो वो सबसे पहले जैन शैली में ही लिखा गया। जैन शैली की प्राचीनतम चित्रित क्या है? तो औघ नियुक्त वृत्ति मूल रूप से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। किसका? जैन शैली का। कब बना? यह 1060 के आसपास बनता है, 1060 के आसपास बनता है। निशित चूर्णी की अगर बात करते हैं तो निशित ही चूर्णी जिनघ जिनदास गणित द्वारा रचित है निशित चूर्णी, और इस ग्रंथ का निर्माण सिद्धराज जयसिंह के समय में 1100 ईस्वी के आसपास होता है। तो निशित ही चूर्णी किसने लिखा है? जितिन दास गणी के द्वारा रचित है, याद रखना। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कौन सी है? तो कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया प्रति जो है वो भारत के सिराजे हिंद में है, यानी जौनपुर में पाई जाती है, याद रखना। इस समय जौनपुर का सुल्तान, अच्छा जौनपुर की तुलना ईरान के सिराजे हिंद से की जाती है, ईरान के सिराजे हिंद शहर से। कई बार पूछा गया है कौन से शहर, तो ईरान। ईरान का कौन सा शहर है? सिराजे हिंद से किया जाता है, तो सिराजे हिंद कला केंद्र से मूल रूप से जौनपुर की तुलना की जाती है। इस ग्रंथ में अपभ्रंश शैली के चित्रों के मेल मिलाप होते हैं, जैसे बालगोपाल स्तुति की बात हो जाए, बालगोपाल स्तुति है, रति रहस्य है, दुर्गा सप्तती है, वसंत विलास है, कल्पसूत्र है, कालकाचार्य कथा है, निशित चूर्णी है, और जो है कथा सारित्व सागर भी है। मूल रूप से इसका संबंध किससे रहा है? तो इन सभी का जो संबंध रहा है जैन शैली से रहा है, या फिर अपभ्रंश शैली से रहा है। जबकि आप जानते हैं अभी पाल शैली में हम लोगों ने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े थे, तो वहाँ प्रज्ञापारमिता का डाटा मिला था, साधनामाला का मिला था, पंचशिखा का मिला था, करणदेव गुहा का मिला था, और गंधर्वियों का भी डाटा मिला था पाल शैली। आगे अगर बात करते हैं तो आगे आता है कि पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों का बाह्य रेखा काली जो है स्याही से बनाया गया है। तो पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की जो है बाह्य रेखाएं कैसी हैं? काली स्याही के कलम से बनाया गया है, काली स्याही के कलम से बनाया जाता है। आगे लौर चंदा के लेखक कौन है? तो लौर चंदा जो पुस्तक है मूल रूप से इसका लिखने का काम मुल्ला दाऊद कर रहा है, तो मुल्ला दाऊद की अच्छी रचनाओं में शुमार है लौर चंदा। आगे अभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं, अभ्रंश शैली के चेहरे कैसे दिखाई देते हैं? तो जब आप अभ्रंश शैली की बात करेंगे तो अभ्रंश शैली के जो चेहरे दिखाई देंगे वो भाव शून्य दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट, जैन शैली के चित्रों में प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। हाँ, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे कि लाल है, लाल के साथ नीला है, और नीला के साथ कौन सा है? पीला है। तो लाल, नीला, पीला मूल रूप से प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। अभी वाली आप क्लास अगर देखें होंगे 5 बजे वाली, तो आपको जो है यह डाटा मिला होगा, क्योंकि आज रेखावण तानपो तंत्राल हमने उसमें डिस्कस किया है। आगे बात करते हैं, आगे कहा गया है कि जैन शैली में पशु पक्षी तथा प्रकृति का चित्रण अस्वाभाविक रूप से दर्शाया गया है। सर्वप्रथम अस्वाभाविक रूप से, यही मतलब कि खिलौने की तरह यहाँ दर्शा दिया गया है पशु पक्षियों का चित्रण, तो इसलिए कह दिया गया कि अस्वाभाविक रूप से दर्शाया गया है। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्रकल्पद्रुम यानी कल्पसूत्र नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित करवाया था। इसी का सबसे बढ़िया जो डाटा मिलता है जौनपुर में मिलता है, इसी कल्पसूत्र का यानी चित्रकल्पद्रुम का, जिसे साराभाई मणिकलाल ने बनवाया था। उस ग्रंथ जो है, यह ग्रंथ उन्होंने जौनपुर से उपलब्ध हुआ, और इसका जो है लिपि काल बताया जाता है कि 1465 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, जो जौनपुर में पाया जाता है। कल्पसूत्र की अन्य दो प्रतियां हैं, जिसमें से एक प्रति तो रॉयल एसेंटिक सोसाइटी मुंबई में भी रखी हुई है, और दूसरी प्रति लिमड़ी के सेठ आनंद जी कल्याण के पास भी है, जिसका समय काल 1415 ईस्वी बताया जाता है। यह आप डाटा देखिएगा, बाल मित्र और उनकी पत्नी है, ये बाल मित्र हैं और उनकी पत्नी है, मूल रूप से बैठी हुई हैं। किस काल का यह डाटा माना जाता है? तो ये जैन काल का अच्छा डाटा माना जाता है। जैन काल मतलब अपभ्रंश काल, याद रखना। चाहे जैन कहो चाहे अपभ्रंश कहो, बात एक ही मानी जाती है। तो ये रचनाएँ हैं मूल रूप से जैन की, बाल मित्र और उनकी पत्नी।
आगे की अगर बात करते हैं तो आगे आता है कल्पसूत्र की एक अन्य तीसरी प्रति कहाँ पे है, तो जौनपुर में होती है, जो स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है, सबसे बढ़िया मानी जाती है, 1465 का डाटा ये माना जाता है। आगे, इस समय यह प्रति बड़ोदरा के नरसिंह जी की पोल के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। तो नरसिंह जी के पोल के ज्ञान मंदिर में मूल रूप से कौन सी प्रति सुरक्षित है, सबसे बढ़िया वाली कौन है, कल्पसूत्र, जो जौनपुर में पाई जाती है। आगे, यह उत्तम प्रति 1467 ईस्वी में जौनसुर के बादशाह हुसैन शाह सर के शासनकाल में चित्रित करवाया गया था और स्वर्ण अक्षरों में बनवाया गया था। आगे बात करेंगे तो आगे आएगा कल्पसूत्र की एक अन्य चौथी प्रति भी है। चौथी प्रति कहाँ पे है, तो अहमदाबाद के निवासी मुनि दया विजय जी के संग्रहालय में भी सुरक्षित है। यह प्रति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तैयार की गई है, यह भी स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। आप जानते हैं कि जैन शैली जो है 11वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास का डाटा होता है, तो इसलिए मूल रूप से इसकी पाँचवीं जो है अंतिम प्रति भी बता दी जाती है कि लास्ट वाला भी ये है। अगला पॉइंट आ रहा है कि बोस्टन संग्रहालय में कागज़ पर लिखी हुई तथा गुजरात के श्री भोगलाल के संग्रहालय में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति तथा बड़ौदा के प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय से प्राप्त दुर्गा सप्तती की पोथियाँ मूल रूप से उल्लेखनीय पाई जाती हैं। दुर्गा सप्तती कहाँ से मिलती है, मंजूलाल के निजी पुस्तकालय से मिलती है। आगे, श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के ग्रंथ चित्रों में अंगसूत्र आता है। अंगसूत्र के बाद क्या आता है, अधोन युक्ति आता है, फिर श्रेष्ठ शिला का पुरुष चरित्रम आता है, फिर कथा सारित्व सागर आता है, फिर उत्तराधन सूत्र आता है, फिर कल्प सूत्र आता है, फिर नेमनाथ चरित्र आता है, फिर निशित चूर्णी उल्लेखनीय डाटा माने जाते हैं, जो जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के बहुत बढ़िया डाटा हैं। आगे, इस सचित पोथियों की लिपिकाल क्या होता है, तो ये सब मूल रूप से 1100 से 15वीं शताब्दी के आसपास लिखा जाता है, ऐसा माना जाता है। ये सभी पोथियाँ आज भारत के कहाँ कहाँ पे हैं, तो बड़ौदा में है, पाटन में है, खंबात में है, अहमदाबाद में है और जैसलमेर के निजी ग्रंथालयों और अमेरिका के बोस्टन संग्रहालयों में भी सुरक्षित पाई जाती हैं। अपभ्रंश शैली की नाक अनुपात में लंबी होती है, नुकीली होती है, पतले गाल की सीमाओं की रेखाएँ जो हैं आगे तक बनाई गई होती हैं, ऐसा दृश्य जो है किस शैली में देखने को मिलता है, तो अपभ्रंश शैली में ऐसा डाटा दिखाई देता है कि लंबी नाक हो और नाक के अनुपात में मूल रूप से क्या नुकीली और पतले गाल होते हैं। आगे, आंखें भी कुछ नुकीली पास पास और बड़ी बड़ी परवल की जैसे फांक बनाई जाती है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि परवल जैसी फांक वाली आँख किस काल की महिलाओं के हैं, तो मूल रूप से वो अपभ्रंश शैली या फिर जैन शैली के बताए जाते हैं। आगे, अभ्रंश शैली के चित्रों में अधिकांशतः चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है, तो कैसे रंग अभ्रंश शैली में हुए हैं, चमकदार और उष्ण रंग यानी गर्म रंग। गर्म रंग लाल वाला आता है, याद रखना। आगे, पृष्ठभूमि बहुधा लाल रंग से सपाट रूप में भरा गया है। तीर्थांकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग भी होता है। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग मूल रूप से यहाँ पे किया गया है। जैन शैली में ऐसा डाटा देखने को मिलता है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे आता है कि जैन शैली की खोज किसने की है, तो जैन शैली को खोजने का काम मूल रूप से आनंद कोटेश कुमार स्वामी कर रहा है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र जैन शैली से ही संबंध रखते हैं, तो ये भी डाटा पूछा जाता है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं, तो स्थिर और जकड़े हुए अंग प्रत्यंग दर्शाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। मांडू से प्राप्त कल्पसूत्र की प्रति, तो ये 1439 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। अगला पॉइंट लिखा गया है, आर्चर ने इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में नियात नामा की एक प्रति खोजी। नियात नामा कहाँ की है, तो आप जानते हैं इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी की आर्चर ने खोजी है, ठीक है। मालवा में चोर पंचाशिका का चित्रण बाज बहादुर के संरक्षण में होता है, तो ये पूछा जाता है कि चोर पंचाशिका का चित्रण कहाँ वाला, मालवा वाला। मालवा वाला किसके शासनकाल में मूल रूप से होता है, बाज बहादुर के संरक्षण में किया जाता है। 1439 ईस्वी में कल्पसूत्र के बाद मांडू में चित्रित सदी के गोस्तान वाले प्रति हाजी मोहम्मद चितेरे ने तैयार करवाए थे, तो मांडू में चित्रित है सदी के गोस्तान को मूल रूप से किसने, तो हाजी मोहम्मद चितेरा के द्वारा बनाया जाता है। और ये अब कहाँ पे है, सदी के गुस्तान मूल रूप से अब ये राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित हो गया है। और कौन सा महल टीआकार का है, तो हिंडोला महल जो मांडू में स्थित है, मांडू आप जानते हैं J&K का हिस्सा होता है, तो वहाँ पे मूल रूप से हिंडोला महल टीआकार का बना हुआ है। क्वेश्चंस कभी छप सकता है, इसलिए ये डाटा पूछ लिया गया।
अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैन शैली। जैन शैली में आप जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक के रूप में उभर करके आते हैं महावीर स्वामी। थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में भी देख लीजिए। 599 से 527 ईसा पूर्व तक का इनका डाटा होता है और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर होता है? कुंडल ग्राम में होता है। जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व, याद रखना, ईसा पूर्व में होता है। महावीर को कैवल्य, कैवल्य मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान कहाँ पे प्राप्त होता है? तो जरांभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे, ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है। महावीर के पिता का नाम क्या रहा है? सिद्धार्थ रहा है। माताजी का नाम क्या रहा है? त्रिशला रहा है। और माताजी के साथ साथ विवाह किससे होता है? तो इनकी पत्नी का नाम जो है त्रिशला होता है। माताजी का नाम त्रिशला है बेटा, माताजी का नाम याद रखना। विवाह इनका यशोदा से होता है। पुत्री का नाम अड़ोज्या या प्रदर्शनी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बनता है? जमाल। जमाल कौन होता है? जमाल जो है प्रदर्शनी का हस्बैंड होता है। महावीर की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में। महावीर 72 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से पावापुरी में मिल जाते हैं। पावापुरी यानी राजगृह के पास होता है, तो राजगृह पावापुरी में मूल रूप से महावीर की मृत्यु होती है। जन्म कहाँ पे होता है? तो महावीर का जन्म आप जानते हैं कि जांभिक ग्राम में होता है, ऋजुपालिका नदी के किनारे होता है, साल वृक्ष के नीचे होता है। कब होता है? 599 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थांकर कौन होते हैं? तो संस्थापक जो है ऋषभदेव होते हैं, पहले तीर्थांकर होते हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थांकर होते हैं। किसी किसी किताबों में वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है, तो महावीर स्वामी भी वास्तविक संस्थापक के रूप में उभर करके आ जाते हैं। तो ये तो हम लोग पूरा जो है डाटा पढ़ रहे थे। इसके बाद जो एग्जाम बूस्टर्स है, मूल रूप से परीक्षा में छप चुका क्वेश्चन है, उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सचित्र पांडुलिपियों की सही कालक्रम में जो है अनव्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अष्ट सहस्त्रिका आएगी, उसके बाद प्रज्ञा पारमिता आएगा, उसके बाद चोर पंचाशिका आएगा, दिन कालकाचार्य कथा आएगा, उसके बाद हमजा नामा का बात आएगा। मांडू की अगर बात करते हैं कहाँ पे है, तो मांडू पूछा गया, तो मांडू मूल रूप से मध्य प्रदेश राज्य में है। अच्छा, शायद अभी हमने मांडू की बात की थी, ठीक है, शायद मांडू की बात की थी, जो हिंडोला महर था, मांडू में तेज था, ठीक है, हिंडोला महर, तो सॉरी उसे हमने शायद जे एंड के बता दिया है ना, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर वो वाला नहीं, ये मध्य प्रदेश का है मांडू, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला मांडू पूछा जा रहा है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा आधुनिक फली फूली, तो मूल रूप से 9वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास भारतीय लघु चित्रों की परंपरा ज़्यादा फूली फली है, आगे बढ़ी है यानी विकसित हुई है। भारतीय लघु चित्रकला जो है प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो भारतीय लघु चित्रकला कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है? लाइम प्लास्टर में मूल रूप से ऐसा डाटा नहीं दिखाई देता है। शैलियों का सही कालाकरण में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले अजंता शैली आती है, दिनपाल शैली आती है, दिनजय शैली आती है, उसके बाद कांगड़ा शैली दिखाई देती है। परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, क्वेश्चंस पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए, तो अमूर्त मूल रूप से उसका विषय कहीं नहीं दिखाई देता है। आगे पॉइंट आता है, बौद्ध मूर्त ग्रंथ जो है, बौद्ध मूल ग्रंथ जो कोई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है, क्या है? तो वो विनय पिटक होता है। लघु चित्रकला भारत में विकसित हुई थी, तो लघु चित्रकला मूल रूप से पूर्वी हिस्से में विकसित होती है, पूर्वी हिस्से से। आगे, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय मूल रूप से बिहार में स्थित है। आप जानते हैं बिहार राज्य में नालंदा पाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्मस्थान क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्मस्थान आप जानते हैं लुम्बिनी होता है, जबकि महावीर स्वामी का जन्मस्थान क्या होता है? तो आप जानते हैं जांभिक ग्राम होता है, ऋजुपालिका नदी के किनारे होता है, ठीक है। आगे, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो निर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया है, याद रखना। और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो वो सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश स्थल कौन सा है? तो सारनाथ का उत्तर प्रदेश ही होता है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर के आधुनिक नाम को क्या कहा जाता है? तो कसया, कसया मूल रूप से इसका पुराना नाम हुआ करता था। किसका? कुशीनगर का। उस नाम जो है, उस अवस्था का नाम जो पहले पाल राजाओं का भाग नहीं था, तो श्वेतांबर मूल रूप से पाल राजाओं का भाग नहीं रहा है। आगे, बुद्ध की मानवीय रूप से प्रतिमाएं चित्रित होती हैं, तो बुद्ध की जो मानवीय रूप से प्रतिमाएं हैं वो महायान संप्रदाय में चित्रित होती हैं। पाल शैली के पोथियों का संबंध किससे रहा है? तो पाल शैली के पोथियों का संबंध जो रहा है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से रहा है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार का नाम बताइए, तारानाथ। तारानाथ मूल रूप से कहाँ के रहे हैं? तो तिब्बत के रहे हैं, तिब्बती इतिहासकार इन्हें माना जाता है। आगे, बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध भिक्षु मूल रूप से बिहार में रहा करते थे, जिसे संघाराम कहा जाता है। वो जो है बुद्ध अपना उपदेश मुख्य रूप से देते थे, तो बुद्ध अपना उपदेश जो है वो पाली भाषा में देते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का पूरा भाषा ही पाली भाषा ही रहा है। डाटा पूछा गया है, इसलिए हल्के मत लीजिएगा, कोई भी पॉइंट हल्के मत लेना। अगला पॉइंट कह रहा है कि पाल चित्रकारी के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, तो पाल चित्रकारी में आधार के रूप में इस्तेमाल क्या किया जाता था? ताड़ का पत्रा इस्तेमाल किया जाता था।
बौद्ध धर्म का वह वर्ग जो बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है, जिन्होंने मोक्ष का तरीका खोजा था, तो वो हीनयान होता है, याद रखना, हीनयान होता है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा अधिक फली फूली, तो मूल रूप से 19वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास जो है फली फूली है ज़्यादातर। आगे पंचाक्षरा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण संबंधित है, तो पंचाक्षर सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किससे होता है, पाल लघु चित्रकारी परंपरा से माना जाता है। ताड़पोथी चित्रों में पंच बिम सहित संहिता का चित्रण हुआ है, तो ये पाल शैली में मूल रूप से पंच बिम सहित संहिता का चित्रण दिखाया जाता है, तो ये पाल शैली का होता है, याद रखना है। आगे लघु चित्र, लघु चित्र जिसपे अजंता का प्रभाव खूब पड़ता है, तो पाल लघु चित्रण होता है, जिसपे अजंता हावी रहती है। पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीन साक्ष्य का माध्यम बताइए, तो ताड़ का पत्रा मूल रूप से पांडुलिपि चित्रण के लिए बहुत पुराना डाटा माना जाता है। आगे पाल शैली के संरक्षक थे, तो पाल शैली के संरक्षक पाल शासक होते हैं, पाल शासक होते हैं। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है, तो बौद्ध धर्म मूल रूप से इसका मुख्य विषय माना जाता है। पोथी चित्रण का निर्माण कराया था, तो पोथी चित्रण का निर्माण जो है वो पाल राजाओं के द्वारा करवाया जाता है, पाल राजवंश के द्वारा करवाया जाता है। पोथी चित्रण का प्रारंभ हुआ था, तो पोथी चित्रण का जो प्रारंभ होता है वो पाल शैलियों में होता है, पाल शैली में दिखाया जाता है। आगे भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम बनी, तो भारत में सचित्र जो पुस्तकें हैं वो सबसे पहले कब बनी, ताड़पत्रों पर बनती हैं, ताड़पत्रों पर दिखाई देती हैं, वही ताड़पत्र जिसका लंबाई मूल रूप से 22 सही 1/4 होता है और चौड़ाई जो है 2 सही 1/4 होता है। आगे आगे बात करते हैं, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा आरंभ होती है, तो भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है पूर्व मध्यकाल यानी प्रकृति से स्टार्ट हो जाती है। पूर्व मध्यकाल यानी प्रकृति का काल के चित्रों में मूल रूप से क्या रहता है, भावों का अपूर्ण जो है भावों का पूर्ण अभाव होता है, भाव नहीं दिखाई देते हैं पूर्व मध्यकाल में। आगे आगे आता है कि पाल शैली के चित्र होते हैं, तो पाल शैली के चित्र आप जानते हैं पोथियों पे होते हैं, तो पोथी ही बनेगा राइट आंसर। प्रकृति चित्रकला में पाल चित्र शैलियों के मुख्य विषय क्या रहे हैं, तो मुख्य विषय वस्तु की अगर बात करते हैं तो प्रकृति चित्रकला में पाल शैली के मुख्य विषय बौद्ध धर्म पे होंगे, जबकि जैन शैली के मुख्य विषय जैन धर्म पे होंगे। आगे बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक लिखा गया है, जो है विनय पिटक लिखा जाएगा वो पाली भाषा में लिखा जाएगा, क्वेश्चंस कई बार छप चुका है, याद रखना। बौद्ध धर्म का बड़ा मुख्य मंदिर कौन सा है, तो बिहार प्रांत में पाया जाता है महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत होती है, तो भारत में लघु यानी छोटे चित्रों की शुरुआत भी पाल के काल में ही होती है। पालयुगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित होता है, तो पांडुयुगीन जो है पांडुलिपि है वो बौद्ध धर्म पर ही आधारित। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं, पांडुलिपि चित्र जो है वो ताड़पत्रों पे ही बनाए जाते हैं, तो ताड़पत्र इसके लिए राइट जवाब होगा। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए हैं, तो सबसे पहले जो लघु चित्रण है वो मूल रूप से ताड़पत्र पे ही बनाए जाते हैं। आरंभिक चित्रित ग्रंथ या आरंभिक ग्रंथ चित्र बने हुए हैं, तो ये ताड़पत्र पे ही सबसे पहले ग्रंथ चित्र भी बनाए जाते थे। आगे आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि पाल पोथी चित्रों का विषय क्या है। पाल पोथी चित्रों का जो विषय रहा है वो बुद्ध का जीवन चरित्र रहा है, बुद्ध का जीवन चरित्र रहा है। पाल चित्रकला होती है, तो पाल चित्रकला है कैसी चित्रकला मानी जाती है, तो ये बंगाल की चित्रकला मानी जाती है। आप जानते हैं गोपाल कहाँ का शासक रहा है, तो गोपाल के द्वारा ही पाल वंश को मूल रूप से एस्टेब्लिश किया जाता है, गोपाल बंगाल का शासक बनता है, तो पाल चित्रकला बंगाल वाला बेल्ट होता है, बंगाल की चित्रकला होती है। जैन धर्म के तीर्थंकरों का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले आएंगे ऋषभनाथ, उसके बाद अजितनाथ, उसके बाद पार्श्वनाथ, ध्यान महावीर स्वामी, सबसे लास्ट महावीर स्वामी हैं, पहले ऋषभनाथ हैं, तो इन्हें क्रम में इन्हें व्यवस्थित कर दीजिए। ये सब क्वेश्चन छपे हुए हैं, TGT में हैं, PGT में हैं, कई जगह UGC में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो KVS में भी आ चुके हैं क्वेश्चन, तो इस टाइप के ये क्वेश्चन हैं, याद रखना। इसलिए कभी कभी जो है रिपीट हो जा रहे हैं क्वेश्चन, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लीजिएगा, वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थांकर कौन है, ऋषभदेव हैं। महावीर स्वामी जो 24वें जैन तीर्थांकर हैं, उनका जन्म चित्रित किया गया है कल्पसूत्र ग्रंथ में चित्रित किया गया है। जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो मांडू प्रसिद्ध है, मांडू मध्य प्रदेश वाला पूछा जा रहा है। एक हस्तलिखित जैन चित्र कौन सा है, तो कालकाचार्य कथा है, जो हाथ से लिखा गया है कल्पसूत्र जो है कालकाचार्य कथा। आगे कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में क्या चित्रित किया गया है, तो जैन लघु चित्र चित्रित किया गया है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहा जाता है थीम्ब बलम या तीर्थांकर, थीम्ब बलम या तीर्थांकर डाटा डाट का प्रतीक चिन्ह है, एक हाथी है, तो महावीर स्वामी का जो है थीम्ब जो है दर्शाया गया है, वो महावीर स्वामी का जो है दर्शाया गया है हाथी के रूप में। सही सुमेल कीजिए, तो ऋषभनाथ आप जानते हैं सांड होता है इनका प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ का सांप होता है, महावीर स्वामी का सिंह होता है, और जो है नेमिनाथ का शंख होता है प्रतीक चिन्ह, इनके जन्म से संबंधित है, याद रखना। आगे कल्पसूत्र धार्मिक पाठ है, तो कल्पसूत्र जो धार्मिक पाठ होता है ये जैन धर्म का होता है। भारत के नवीनतम गुफाओं को समर्पित जो है कहा जाता है, भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को समर्पित किया गया है, तो गुफा मंदिरों को जो समर्पित किया गया है वो जैन धर्म को समर्पित किया गया है। आगे
जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम सचित्र पंडुलिपि की रचना काल कौन सा होता है? तो 1060 ईसा पूर्व में। अभी हमने देखा कि 1060 ईसा पूर्व के आसपास जो है सबसे पुराना डाटा माना जाता रहा है। सबसे पुराना डाटा 1060 ईस्वी के आसपास का माना जाता रहा है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे आता है कि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा? तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली आनंद कोटेश कुमार स्वामी ने कहा है। जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत कौन सा होता है? तो कल्पसूत्र ही होता है। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, तो अभ्रंश शैली में जो अंग प्रत्यंग बने हुए हैं स्थिर और जकड़े हुए बने हुए हैं। आगे जैन चित्रकला को कहा जाता है तो पोथी चित्रण ही कहा जाता है, तो पोथी चित्रकला भी इसे कह सकते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो आगे आता है कि कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पे है? तो जौनपुर में है, जौनपुर। ठीक है, आगे गीत गोविंद और कल्पसूत्र का सचित्र रचना कौन सी है? तो जैन धर्म की होती है। कागज पे बना चित्र शुरू होता है तो 14वीं शताब्दी में इसे आयु ने सही माना है। आगे वह भारतीय जो है शैलचित्र जिसमें मानुष्य के चेहरे 3/4 भाग पे चित्रित होते हैं, तो 3/4 भाग पे अगर डाटा चित्रित किया जाए तो उसे जैन शैली का डाटा माना जाता है। सवा चश्म चेहरा, सवा चश्म चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि कैसी निर्मित की गई हैं? तो जैन शैली में की गई हैं और परवल की जैसी आंखें दर्शाई गई हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कहाँ पे हुआ है? तो ये भी अभ्रंश शैली यानी जैन शैली में ही दिखाई देता है। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर डाडाडार सचित्र पोथियों में चित्रित हैं, तो कालकाचारी कथा में डाडातर तीर्थंकर चित्रित हैं। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी मूलोपचय मुख्य विषयों के रूप में उभर करके सामने आता है। अगला पॉइंट आता है अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है? तो अभ्रंश शैली के चित्रों का जो विषय माना जाता है वो जैन धर्म ही माना जाता है, जैन धर्म ही माना जाता है। आगे अभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता क्या रही है? तो अभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता परली आँख रही है, परली आँख। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण कहाँ मिलता है? तो जैन चित्र में मिलता है, जैन चित्र में। जैन चित्र कागज पे बने होते हैं, 14वीं शताब्दी के आसपास बताया जाता है कि कागज पे बन जाते हैं। भारत के पश्चिम क्षेत्र हैं, पश्चिम क्षेत्र मूल रूप से जैन चित्रकला के रूप में जाने जाते हैं। पश्चिम वाला, पूर्व वाला कौन सा जाना जाता है? पश्चिम वाला तो जैन हो गया। अगर पूर्व वाले की बात करें तो वो मूल रूप से पाल होता है, पाल होता है। ठीक है, आगे कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण होते हैं, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण हुए हैं तो जैन शैली में ही दिखाई देते हैं। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण हुआ है, कामसूत्र ग्रंथ का जो चित्रण है वो भी जैन शैली में मनाया जाता है। और तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सम्मान प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो पार्श्वनाथ के लिए मूल रूप से सांप का प्रयोग किया गया है, पार्श्वनाथ के लिए। और कल्पसूत्र की सचित्र पोथी कौन सी है? तो गुजरात वाला डाटा जो है सबसे सचित्र माना जाता है, सबसे सचित्र गुजरात वाला डाटा माना जाता है। तो ये था आज का मूल रूप से आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला में आपने जैन, पाल, अभ्रंश शैली से जुड़े हुए सभी डाटा देखने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है आप लोगों को ऐसे वीडियो जो है पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं वीडियो लाइक कर देना, मित्रों के बीच जरूर शेयर करना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। साथ में जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।